तो दोस्तों जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या फिर किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हो और उनका जो क्लाउड है या फिर उनके कंपनीज में, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ बस एक ही रिसोर्स काम करते होंगे, एक ही इंजीनियर काम करते होंगे, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं। और लाइक लेट्स सपोज हमारा कोई क्लाइंट है और उस पर हमारा एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर क्लाउड पे सिर्फ उस क्लाउड पे काम करने के लिए 1000 इंजीनियर हो मेरे पास, 2000 इंजीनियर हो, 3000 इंजीनियर हो। तो उन लोगों के IDs कैसे मेंटेन होते हैं, उन लोगों का परमिशंस कैसे मेंटेन होता है, कैसे इन सारे यूजर्स के सिक्योरिटी को कैसे ख्याल में रखा जाता है, कौन सा यूजर क्या काम करने वाला है, ये सब कैसे देखा जाता है, ये सारी के सारे चीज़ें डिसाइड होती है आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट से। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दोस्तों आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हम लोग 3-tier एप्लीकेशन ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई इशू होना चाहिए। अब लेट्स सपोज ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 3 नहीं बल्कि 2 tier यहाँ पे बना रखा है। पहला टीयर में फ्रंट एंड एप्लीकेशन, सेकेंड टीयर में एप्लीकेशन सर्वर्स। तो जब हम लोग का जो एप्लीकेशन है जब वो रन होता है क्लाउड पे, तो इस एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए, इस एप्लीकेशन एक तरह से आप कह लो कि देखभाल करने के लिए कितने सारे इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है ना दोस्तों कि ये मॉनिटर करने के लिए ना मल्टीपल टीम्स को बनाया जाता है। कहीं भी आप कंपनी में जाओ वहाँ मल्टीपल टाइप के टीम होंगे। तो लेट सपोज कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, 2-tier एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल 2 teams आपको दिखा रखे हैं। पहला टीम होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का क्या काम क्या होता है, आपको इंफ्रा लेवल पे कोई भी इश्यूज होगा उसे मैनेज करना। इंफ्रा लेवल पे इश्यूज मतलब आपके VPC में कोई इशू हो गया, नेटवर्किंग कंपोनेंट सबनेट पे कोई इशू हो गया, राउटेबल पे इशू हो गया, आप सिक्योरिटी ग्रुप पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, नैकल्स पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप, फिर इसके अलावा आप आ जाओ लेट सपोज आपका EC2 इंस्टेंस रन कर रहा है, आप उसे स्टॉप करना चाहते हो, टर्मिनेट करना चाहते हो, रीस्टार्ट करना चाहते हो, उस EC2 इंस्टेंस के लॉग्स को आप थ्रू क्लाउडवॉच कैसे मॉनिटर करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के मॉनिटरिंग पे आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट टीम हमने एक बनाया है एप्लीकेशन टीम। वो एप्लीकेशन टीम का काम क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन टीम सर्वर्स के अंदर के चीजों को मॉनिटर करती है। जैसे हमारा फ्रंट एंड सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, इस सर्वर के अंदर क्या इश्यूज है उसे ये टीम मैनेज करती है। जैसे कि सर्वर के अंदर हो सकता है आपका जो रैम है वो जो रैम यूटिलाइजेशन बढ़ गया हो उसे कैसे कंट्रोल करोगे आप, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया है उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे। लेट सपोज जो एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है EC2 सर्वर पे, फ्रंट एंड रन कर रहा है, बैक एंड रन कर रहा है, लाइक स्प्रिंग बूट, जावा, ये सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, अगर ये एप्लीकेशंस डाउन हो गए तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। लेट सपोज आपका जो डेटाबेस रन कर रहा है सर्वर पे, उसमें कुछ क्वेरी से रिलेटेड कुछ इशू होता है, आपका परफॉर्मेंस स्लो हो गया, वो सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगे, वो सारी चीज़ें वो काम होता है एप्लीकेशन टीम का। लेट सपोज हमारा जो इंफ्रा है इस पे टोटल 2 team है, पहले टीम में 4 member है और सेकेंड वाले टीम में भी 4 member है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये जो सारे के सारे टीम मेंबर्स वो रूट अकाउंट से लॉगिन होते होंगे। दोस्तों आज तक हमने बस रूट अकाउंट से लॉगिन करना सीखा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम लोग बस रूट अकाउंट से लॉगिन होते होंगे भाई। अगर लेट सपोज मेरे पास एक रूट अकाउंट है, अब 8 के 8 मेंबर मेरा उस सेम रूट अकाउंट यूज कर रहे हैं। रूट अकाउंट का मतलब होता है हाई प्रिविलेज, वो AWS पे कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी मेंबर्स को उतना उतने सारी चीज़ें अलाउ करना बिल्कुल ही सही नहीं है भाई। लेट सपोज वो टीम मेंबर वो गया और मेरा एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया, तब तो भाई मैं तो बर्बाद हो गया ना, तो वो सब चीज़ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस सारे के सारे यूजर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को एक सेपरेट उनका पर्सनल यूजर आईडी बना के देते हैं। यहाँ पे तुम अपने ही यूजर आईडी से तुम लॉगिन कर सकते हो, आप जो है अपने यूजर आईडी से ही लॉगिन कर सकते हो। अब लेट सपोज कि मैंने जैसा भी बोला कि भाई मैं गया लॉगिन किया और मैंने एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया, तो ये नहीं चाहिए। मीन्स हमें उनके एक्सेस को कंट्रोल करना है कि चलो ये तुम्हारा यूजर आईडी तो है, बट इस यूजर आईडी का यूज करके तुम क्या क्या कर पाओगे क्लाउड पे, आप क्या क्या कर सकते हो क्लाउड पे, वो परमिशंस भी देना होता है। मैं नहीं चाहता, लेट सपोज ये एप्लीकेशन टीम है, तो मैं नहीं चाहता कि ये एप्लीकेशन टीम जो है वो इंफ्रा लेवल पे कोई भी काम कर पाए। मींस मैं नहीं चाहता कि ही कैन क्रिएट एनी पब्लिक सबनेट, ही कैन क्रिएट एनी प्राइवेट सबनेट, मैं नहीं चाहता ये, मैं नहीं चाहता कि ही कैन टर्मिनेट द EC2 इंस्टेंस, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट दैट। तो ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो मैं इसे उस लेवल का परमिशन दूंगा ताकि ही कैन नॉट क्रिएट EC2 इंस्टेंस, ही कैन नॉट टर्मिनेट EC2 इंस्टेंस, ही कैन नॉट मॉडिफाई एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट। वहीं पे अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जो है वो सर्वर पे लॉगिन करे और सर्वर के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर दे, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनका काम है सर्वर के बाहर जो इंफ्रा है, ये जो इंफ्रा को सामने दिख रहा है इसे मैनेज करना। तो इसे भी मैं उस लेवल का परमिशन दूंगा, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो यूजर आईडी जो क्रिएट होते हैं ना, ये यूजर आईडी हमें आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट के अंदर क्रिएट करना होता है, और इसीलिए हम लोग आईएम को यूज करते हैं, ताकि आईएम का इस्तेमाल करके ना हम लोग जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सारे के सारे टीम मेंबर्स को उनके हिसाब से एक परमिशन हम लोग असाइन करते हैं कि हाँ भाई आप चलो यूजर तो हो बट आप किस लेवल का परमिशन, आप क्या काम कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं आईएम में, आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट में। तो चलिए फॉर एन प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो टीम क्रिएट करने वाले हैं हमारे इंफ्रा लेवल पे, सॉरी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक एप्लीकेशन टीम होगा जो कि सर्वर के अंदर जाकर के कंट्रोल करेगा, जो भी इश्यूज होगा सर्वर के अंदर उसे रिजोल्व करेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है वो सर्वर के बाहर जो भी इश्यूज है लाइक ऑन इंफ्रा लेवल वो उसे रिजोल्व करेगा। तो ये चलो ये हमारा मेंबर्स है, चलो लेट सपोज कि ये जो सर्वर का जो भी मेंबर है, पहले मेंबर का नाम सर्वर एडमिन वन है लाइक 2, 3, 4 ठीक है, और उनका जो यूजर आईडी है वो मैं क्रिएट करने वाला हूँ एडमिन 1, 2, 3, 4। सिंस ठीक उसी तरह जो बंदे इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के हैं, लेट सपोज पहले बंदे का नाम है इंफ्रा इंजीनियर 1, वैसे ही 1, 2, 3, 4 चार मेंबर्स हैं, चारों का नाम इधर रहा, और चारों का जो भी यूजर आईडी मैं आईएम में क्रिएट करने वाला हूं वो आपको हो गया इंजीनियर 1, इंजीनियर 2, इंजीनियर 3 एंड इंजीनियर 4। तो चलिए हम लोग पहले कंसोल पे चलते हैं, वहां पर चल के देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि सारे के सारे मेंबर्स अपने यूजर आईडी का यूज करके कैसे काम करते हैं रियलिटी में। तो चलिए ये हमारा AWS का कंसोल हो गया है। इस AWS कंसोल पे आपको यहाँ पे जाना है सर्च पर, यहाँ पे सर्च करना है IAM। जैसे ही आपका पहला नंबर IAM आता है, इसे आप ओपन कर लो। अब IAM के अंदर आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक्सेस मैनेजमेंट। दोस्तों हम लोग को फिलहाल ये एक्सेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, डोंट थिंक अबाउट दिस एक्सेस रिपोर्ट्स, जस्ट थिंक अबाउट दिस एक्सेस मैनेजमेंट। और हम लोग इन सारे के सारे चीज़ों को भी देखने वाले हैं एक्सेप्ट रोल्स, ये हम लोग फ्यूचर में देखेंगे ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या क्रिएट करना है दोस्तों, यूजर्स क्रिएट करना है, यूजर आईडी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर्स बनाते हैं ठीक है। अब यूजर के अंदर आइए हम लोग देखते हैं ऐड यूजर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला कैसे हम लोग यूजर बनाएंगे आप लोग वो भी ध्यान से देखना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम डालना होता है। तो यूजर नेम क्या डाला था मैंने आपको याद होगा दोस्तों, एडमिन अंडरस्कोर 1 पहले यूजर का ये है। चलिए सेकेंड यूजर बनाते हैं एडमिन अंडरस्कोर 2, थर्ड बनाते हैं एडमिन अंडरस्कोर 3, फोर्थ बनाते हैं एडमिन अंडरस्कोर 4, फिफ्थ बनाते हैं हम लोग हमारा क्या है फिफ्थ इंजीनियर अंडरस्कोर 1, इंजीनियर अंडरस्कोर 2, इंजीनियर अंडरस्कोर 3 ठीक है। अब आपके पास नीचे ऑप्शन आता है एक्सेस की, मतलब आप लोग देख सकते हो क्या सिलेक्ट AWS क्रेडेंशियल टाइप। दोस्तों ये क्रेडेंशियल टाइप क्या है, डेफिनेटली अगर कोई भी बंदा AWS पे लॉग इन करेगा उसे पासवर्ड भी देना होगा, तो ये वही है, ये किस तरीके का ऑथेंटिकेशन है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस कॉन्सोल पे, ये जो हमारा कॉन्सोल है AWS कॉन्सोल पे, हम लोग इस पे लॉग इन करने के लिए हम लोग कुछ यूजर आईडीज क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, AWS मैनेजमेंट एक्सेस कॉन्सोल पे ही एक्सेस देना है। दोस्तों ये एक्सेस की और सीक्रेट की का भी काफ़ी यूज है, तो मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सारे के सारे यूजर्स को एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड देना चाहते हैं या कोई कस्टम पासवर्ड देना चाहते हैं। चलिए मैं ऑटो नहीं, मैं कस्टम पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। पासवर्ड मैं क्या दूंगा, पासवर्ड ठीक है, मैंने पासवर्ड में डाल दिया पासवर्ड, चलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 हाँ अब एक्सेप्ट कर लिया पासवर्ड डॉट 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। तो जितने भी यूजर्स क्रिएट होंगे वो सारे के सारे यूजर्स के सेम पासवर्ड होंगे। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। तो जब भी कोई भी यूजर पहली बार जब लॉग इन करेगा तो उसे अपना ये पासवर्ड चेंज करना होगा। दोस्तों ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो आप लोग इसी चीज़ को इस बातों को ध्यान में रखना। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम लोग परमिशन अटैच करते हैं। परमिशन इन द सेंस कि किस लेवल का एक्सेस होगा। लेट सपोज मेरा जो एप्लीकेशन टीम है, चलिए मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है उसे मैंने क्या बोला था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकता है। लेट सपोज वो मैं चाहता हूँ कि वो बस मेरे VPC को मैनेज करता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से VPC टाइप करो, ये लेवल परमिशन है, ये क्या है VPC फुल एक्सेस। तो मैं जिन भी यूजर्स पे ये VPC फुल एक्सेस का ये जो परमिशन सेट डालूंगा ना ठीक है, वो क्या करेगा, वो VPC पे कुछ भी कर सकता है, आपके VPC पे कोई भी काम कर सकता है। यही आप ले लो, इसके नीचे आप लोग देखो ये क्या, VPC रीड वनली परमिशन, रीड वनली एक्सेस। अगर मैं ये डालता हूँ तो वो बंदा VPC के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा, वो बस वो उन चीज़ों को आंख से देख पाएगा, ही कैन रीड, वो देख पाएगा, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल तो आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे परमिशंस क्या है। यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स के परमिशन है, आप इशू टू कर लो
हमारे EC2 इंस्टेंस में किस लेवल का परमिशन है, EC2 फुल एक्सेस लेवल है, EC2 रीड ओनली एक्सेस है, इतने सारे टाइप के अलग अलग टाइप के मल्टीपल टाइप्स के परमिशन होते हैं PPC के। ठीक है, अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान में रखना है। टोटल दो टाइप के परमिशन होते हैं, एक होते हैं AWS मैनेज परमिशन और एक होते हैं कस्टमर मैनेज परमिशन। आप लोग देख सकते हो ये इतने सारे जो परमिशन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे परमिशन क्या है, AWS मैनेज परमिशन है। और उसे आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसके पहले आपको ये वाला आइकॉन मिलेगा। अगर कि कोई भी ऐसा परमिशन जिसके पहले ये आइकॉन ना हो और यहाँ टाइप पे AWS मैनेज ना हो, मतलब कि वो कस्टमर मैनेज्ड है। आपको मैं उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने कस्टमर मैनेज पॉलिसी क्रिएट कर रखा है, आप लोग देख सकते हो इसका टाइप क्या है, कस्टमर मैनेज्ड, और इसके पहले आइकन नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंस हमारे पास सारे के सारे परमिशंस ऑलरेडी AWS ने दे रखा है, तो हम लोगों ने पर्सनली क्यों क्रिएट करा है कस्टमर मैनेज पॉलिसी। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा ना, तो जो आप जिस लेवल का परमिशन देना चाहोगे यूजर्स को, उस लेवल का परमिशन ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या करते हो, मैनुअली जो भी रिक्वायर्ड परमिशंस है उसे मैनुअली आप क्रिएट करके आप यूजर्स को देते हो। यही रीजन है कि हमें मैनुअली भी कभी कभी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे फिलहाल कोई भी परमिशन यहाँ नहीं देना है, मैं फिलहाल कोई परमिशन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं फिलहाल कोई परमिशन देना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे टैग दे देते हैं, चलिए टैग क्या देंगे, चलिए यूजर्स दे देते हैं सिंपल। नेक्स्ट पे जाते हैं रिव्यू पे, रिव्यू आप लोग देख सकते हो मेरा जो यूजर नेम है, इतने सारे यूजर नेम्स क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, क्या एक्सेस टाइप है, तो विथ पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड टाइप चाहिए, रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट, मीन पहली बार में पासवर्ड रीसेट होगा या नहीं होगा, जो भी है। अब देखो आप लोग देख सकते हो परमिशन समरी, आपको याद होगा दोस्तों मैंने एक भी परमिशन अटैच नहीं किया था, सारे के सारे परमिशन को मैंने क्या करा था, सारे के सारे परमिशन को मैंने स्किप कर दिया था। बट यहाँ बाई डिफॉल्ट इसने एक परमिशन आपको दे रखा है, वो परमिशन क्या है, मैनेज्ड पॉलिसी है, मीन्स AWS मैनेज पॉलिसी है, और इस परमिशन का नाम क्या है, IAM यूजर चेंज पासवर्ड। दोस्तों ये परमिशन क्यों है आपके पास, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, जब भी आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो ये पॉलिसी आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये सिंस आप जस्ट एज्यूम कर लो कि मैं अपने यूजर आईडी से लॉगिन किया और मेरे पास परमिशन ही नहीं है कि मैं अपने पासवर्ड को चेंज करूँ, तो मैं कैसे करूँगा चेंज, नहीं कर सकता ना, बट मुझे पहली बार में चेंज करना है, इसलिए ये वाला परमिशन दिया गया। इस परमिशन का नाम ही देख सकते हो आप, IAM यूजर चेंज पासवर्ड, मीन्स ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सको। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्रिएट यूजर्स पे क्लिक करना है, और अभी दोस्तों हमारा जो यूजर्स है वो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे यूजर्स हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे यूजर्स क्रिएट होते हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख लो सारे के सारे यूजर्स पे, इतने सारे सब सारे के सारे यूजर्स हैं, और ये तो जैसे यूजर्स क्रिएट हो, यहाँ पे जो आपको आ रहा है डाउनलोड तो CSV, इसे आपको याद से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ CSV में क्या है। तो दोस्तों ये रहा मेरा CSV फाइल, ये जैसे मैंने डाउनलोड करके ओपन करा तो इसने क्या दिया है, कॉन्सोल का लिंक दे रखा है मेरा जो एडमिन है, और पासवर्ड इसने पासवर्ड नहीं दे रखा है। हमें क्या करना है, पासवर्ड हम पहली बार में चेंज करने वाले हैं। दो और है यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी। दोस्तों यही है वो चीज़ जो मैंने स्किप करा था वाइल क्रिएटिंग यूजर आईडी, तो मैं ये चीज़ों को आपको बाद में कवर करने वाला हूँ। फिलहाल अब क्या होता है, कॉन्सोल का जो लिंक है, आप एज एन एडमिन _1 कैसे लॉग इन करोगे कॉन्सोल पे, ये उसका आपको लिंक है। तो आपको अगर लॉग इन करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको AWS.amazon.com पे जाना है और वहाँ पे साइन इन करना है, नहीं, आपको ये जो पर्टिकुलर लिंक दिया गया है, इस लिंक से अब आपको एक्सेस करना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस लिंक से अब एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो IAM यूजर हमारा क्या था, चलो हम लोग अभी admin_1 के नाम से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो admin_1 पे आपको क्लिक, आपको अपना यूजर नाम, जो भी यूजर नेम है आपको डालना है, और पासवर्ड आपको याद होगा मैंने क्या डाला था, password.12345 था ना। चलिए अभी से हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा लॉगिन हो चुका है, और फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे ये क्या बोल रहा है, पहले अपने ओल्ड पासवर्ड डालिए फिर पासवर्ड चेंज कीजिए। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड था password.12345, मैं चलो न्यू पासवर्ड मैं डाल देता हूँ AWS.12345, ये भी न्यू में डाल देता हूँ AWS.12345, कन्फर्म पासवर्ड चेंज। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अब मैंने आप लोग देख सकते हो क्लियरली कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ यूजिंग admin_1।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रूट नहीं है। पहले मैं यहाँ पे लॉगिन किया करा था, मैंने क्या था ये प्रोडक्शन अकाउंट करके ये रूट अकाउंट से मैंने पहले लॉगिन करा था, बट आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने एडमिन अंडरस्कोर 1 के इससे यूजर से मैंने लॉगिन करा है। ठीक इसी तरह दोस्तों मैंने जितने भी यूजर्स बनाए वो सारे के सारे यूजर्स का जो मैं आईडी क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब आप सारे के सारे यूजर्स जब लॉगिन करेंगे तो उन्हें भी अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना होगा। तो चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको याद होगा दोस्तों इसके पास परमिशन क्या है, बस पासवर्ड चेंज करने का और कोई परमिशन नहीं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे आईएम का डैशबोर्ड खोला, यहाँ पे देख सकते हो यू डू नॉट हैव परमिशन। चलिए वीपीसी देख लेते हैं, वीपीसी पे जाएंगे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे यही आएगा यू डू नॉट हैव परमिशन, देख सकते हो यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म। चलिए EC2 देख लेते हैं, EC2 पे भी हमारा सेम आएगा यू आर नॉट ऑथराइज। चलिए ये देख सकते हो आप लोग एपीआई एरर ऐसे शो करता है जब आपके पास परमिशन नहीं हो तो इस टाइप से आता है। जैसे यहाँ पे देख लो यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, मींस फिलहाल एडमिन अंडरस्कोर 1 के पास कोई भी परमिशन नहीं है, इसलिए मैं एडमिन अंडरस्कोर 1 के अंदर से चाहूँ तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं आईए में जा करके वो एडमिन अंडरस्कोर 1 को मैं कोई परमिशन असाइन करता हूँ। तो देख सकते हो मैं यूजर्स के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ दे रहा यू नीड परमिशन, आई डोंट हैव एनी परमिशन। तो मैं क्या करूंगा इससे पहले मैं यहाँ पे लॉग ऑफ करता हूँ, फिर से मैं अपने रूट अकाउंट से क्या करूंगा रूट आईडी से मैं इसे लॉगिन करूंगा और उसके बाद मैं सारे के सारे यूजर्स को कुछ ना कुछ परमिशंस असाइन करूंगा। तो चलिए दोस्तों ये मेरा रूट अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था। तो चलिए रूट अकाउंट पर आपको देख सकते हो हम लोग सारे के सारे यूजर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी शो कर रहा है लास्ट एक्टिविटी मैंने अभी इससे लॉगिन किया था, तो 2 मिनट पहले यहाँ पे मैंने इसे लॉगिन करा था, वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग परमिशंस अप्लाई करते हैं। तो आपको याद होगा ये जो पहले चारों जो ये जो पहला चार है ये चारों के चारों यूजर्स क्या है, हमारा एप्लीकेशन टीम है, सर्वर्स टीम है, और सेकेंड जो कि सर्वर के अंदर की चीज़ों को रिजॉल्व करता है, और सेकेंड जो इंजीनियर 1, 2, 3, 4 है इसका काम क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है दोस्तों। तो हम लोग को क्या करेंगे, पहले चारों यूजर्स को एक सेम टाइप का परमिशन देना है और सेकंड वाले जो चारों यूजर्स हैं इसे हम लोग इंफ्रा लेवल का परमिशन देना है, ठीक है। जो कि जैसे कि वीपीसी मैनेज कर सके, जो कि EC2 इंस्टेंस मैनेज कर सके, वो सारे के सारे लेवल के परमिशन हमें इंजीनियर्स को देने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले एडमिन 1 ओपन करेंगे और यहाँ पे परमिशन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे पहले से आईएम यूजर चेंज पासवर्ड डाला हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ऐड परमिशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली। तो ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो कि AWS ने खुद प्रोवाइड कर रखा है। तो ये क्या था, ये इसे EC2 के अंदर काम करना है। तो इसे किस लेवल का परमिशन चाहिए, EC2 इंस्टेंस पे ना ये उस सर्वर्स को एक्सेस कर पाए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे है या नहीं। तो चलिए ये जो है हमारा ये क्या है, ये EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ये क्या है डिस्क्राइब इंस्टेंस, ये इंस्टेंस को लिखिए अलाउ, यहाँ पे सारे का सारे डिटेल्स लिखे भी होंगे कि आपको क्या क्या करना है। अलाउ कस्टमर्स टू कॉल EC2 इंस्टेंस कनेक्ट टू पब्लिश इफेमरल कीज टू देयर EC2 इंस्टेंस एंड कनेक्ट वाया SSH और EC2 इंस्टेंस कनेक्ट CLI। तो आप या तो SSH भी कनेक्ट कर सकते हो सर्वर पे या फिर EC2 इंस्टेंस को CLI के थ्रू भी EC2 इंस्टेंस कनेक्ट भी कर सकते हो आप। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इस लेवल के परमिशन से कर पाओगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलिए ईज ऑफ यूज के लिए फिलहाल मैं EC2 फुल एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। और इसे रिव्यू करेंगे, मैनेज पॉलिसी क्या है अमेजन EC2 फुल एक्सेस, ऐड परमिशन करेंगे, ये परमिशन हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था, चलिए मैंने परमिशन ऐड कर दिया आपके लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो यहाँ तो बस 8 यूजर है तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ सारे के सारे परमिशन। व्हाट इफ कि मेरे कंपनी में 1000 ऐसे लोग हैं, 1000 में से 500 सर्वर टीम है और 500 इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है। तो भाई मैं एक एक करके सेम परमिशन हजारों के हजार पे थोड़ी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा, हेक्टिक वर्क हो जाएगा। तो उसका क्या एक उपाय, वो भी AWS ने उसका भी एक बढ़िया सा उपाय दे रखा है। वो उपाय क्या है, यूजर ग्रुप्स। वो क्या करते हैं कि ग्रुप्स, वो बोलते हैं कि अपने यूजर्स को पहले ग्रुप्स में डिवाइड करो। तो यहाँ मेरे पास 8 यूजर हैं लेकिन ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे बस 2 ग्रुप होंगे, बिकॉज पहला जो ग्रुप है एडमिन 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों जो यूजर्स हैं वो चारों के चारों यूजर्स एप्लीकेशन टीम है। तो एक ग्रुप बन गया हमारा एप्लीकेशन टीम का, और सेकंड जो ग्रुप है वो क्या है इंजीनियर 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों जो यूजर्स हैं ये क्या है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम एक दूसरा ग्रुप हो गया, तो हमारे पास टोटल 2 ग्रुप हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 ग्रुप बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ग्रुप क्यों बना रहे हैं हम लोग। तो पहले 2 ग्रुप बनाएंगे, पहला ग्रुप का नाम क्या दूंगा मैं, एप्लीकेशन टीम। अब इस ग्रुप में कितने सारे यूजर्स को ऐड करना है, हम यहाँ से डायरेक्टली आपको देख सकते हो ऐड कर सकते हैं, इस चारों को बस हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि मैं ग्रुप्स को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज
एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पे मैंने चारों के चारों टीम मेंबर को ऐड किया। लेट सपोज अगर 1000 है, 1000 टीम मेंबर्स है हमारे पास, जिसमें से 500 टीम मेंबर्स को ऐड करना है एप्लीकेशन टीम में, तो हम सारे के सारे 500 मेंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक बार में परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे इजी टू फुल एक्सेस दिया मैंने, ये जो परमिशन है ये यूजर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये परमिशन ग्रुप पे अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन टीम ग्रुप पे। मीन्स उस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर है, उस ग्रुप के अंदर मैं अगर लाखों यूजर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो लाखों के लाखों यूजर्स के पास सेम परमिशन होगा। इसलिए हम लोग परमिशंस प्रोवाइड करने के लिए ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया एप्लीकेशन टीम। चलिए एक और ग्रुप क्रिएट करते हैं हम लोग अपना, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। इस इंफ्रास्ट्रक्चर टीम पे ये क्या है, ये चारों के चारों को मैं अलाउ कर देता हूँ। और दोस्तों आपको याद होगा वीपीसी फुल एक्सेस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के पास, तो चलिए मैं वीपीसी का फुल एक्सेस दे देता हूँ और मैं इस ग्रुप को भी क्रिएट कर देता हूँ। तो हमारे पास दो ग्रुप हो गया, एप्लीकेशन टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। फिर से लॉग इन करने वाला हूँ यूजिंग वन ऑफ द यूजर्स विच बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर टीम बिकॉज आई वॉन्ट टू मैनेज वीपीसी। लेट सपोज मैं जो भी लॉग इन करने जा रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से बिलोंग करता हूँ और मुझे वीपीसी पे एक न्यू सबनेट क्रिएट करना है, या फिर चलो मैं ये कह लूँ कि मुझे एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करना है क्रिएट, तो मैं ये कैसे करूँगा, चले आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है ये चारों, तो इनका जो ये लिंक है उस पर क्लिक करते हैं। तो हमने पहले वो लिंक से लॉग इन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यूजर कौन सा है, इंजीनियर _1 दे देते हैं। पासवर्ड आपको याद होगा, पासवर्ड .12345। यहाँ से हमें करना है लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड पासवर्ड देना है। न्यू पासवर्ड क्या है, aws.12345, कन्फर्म पासवर्ड चेंज। चलिए तो मैंने क्या किया, अपने पासवर्ड को मॉडिफाई कर लिया और एज एन इंजीनियर _1 यूजर मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या एक्सेस था, इंजीनियर _1 को किस लेवल का एक्सेस है, वो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का एक्सेस है। और आपको याद होगा मैंने वीपीसी फुल एक्सेस दिया था, मीन्स इस यूजर्स के पास वीपीसी के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग वीपीसी में चल देते हैं। पहले हम लोग वीपीसी में जाएंगे और मैंने क्या बोला था, एक सिक्योरिटी ग्रुप चलो क्रिएट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसके पास वीपीसी का एक्सेस है, तो आप लोग वीपीसी में सारे के सारे डिटेल्स को देख पाओगे, ये दो वीपीसी है, क्या सबनेट है, क्या राउट टेबल है, इस पर देख भी पाओगे और कोई भी मॉडिफिकेशन कर भी पाओगे। तो चलिए मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप पर जाता हूँ, एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट करता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं दूंगा डिलीट लेटर बिकॉज आई नीड टू डिलीट दिस, मैं ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस जाओ यहाँ से क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आप लोग देख सकते हो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया, इट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। और लेट सपोज मैं मुझे डिलीट करना है, तो चलो मैं एक्शन पे जाकर के इसे डिलीट भी करके देखता हूँ। डिलीट, आप लोग देख सकते हो मैं सिक्योरिटी ग्रुप को सक्सेसफुली डिलीट भी कर पा रहा हूँ, मीन्स हमारे पास जो मैंने वीपीसी का फुल एक्सेस दे रखा था इट्स वर्किंग। चलिए अब देखते हैं बाकी किसी सर्विस पे एक्सेस है या नहीं, तो लेट्स जंप टू S3 बकेट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट अ बकेट। आप कोई भी सर्विस उठा लो, आप यहाँ पे सर्विसेज भी क्लिक करो, कोई भी सर्विस उठा लो। चलो डेटाबेस पे आते हैं, डायनामोडीबी में क्लिक करते हैं। हमारे पास इसके अभी कोई एक्सेस नहीं होगा, मीन्स हमारे इस पर्टिकुलर यूजर को बस वीपीसी का फुल एक्सेस है और कोई भी एक्सेस नहीं है। यहाँ पे चलो टेबल पे क्रिएट करते हैं हम लोग, कोई भी यहाँ पे काम किया या क्रिएट टेबल करते हैं। चलिए यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं, इसका भी नाम दे दिया, क्रिएट टेबल पे क्लिक किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंजीनियर 1 इज नॉट ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म, मीन्स इस यूजर्स के पास बस यही एक्सेस है कि ये वीपीसी को यूज कर सके और कोई भी चीज़ों को यूज ना कर सके। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे यूजर्स मैनेज होते हैं, कैसे उसके परमिशंस मैनेज होते हैं, कैसे कंपनीज में किस तरह के यूजर्स के लिए एक IAM यूजर्स क्रिएट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।